हेलो स्टूडेंट्स मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट हिंदी में चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से अध्याय दो जिसका नाम है एक चर वाले रेकी समीकरण कक्षा आठवीं से जी हां हमने एक इसका इंट्रोडक्शन भी पूरा कर लिया है वो भी आप जरूर देखिएगा और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है और आप लोग क्या क्या नया सीखेंगे चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे देखिए रेखीय समीकरण है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकी जो चर की जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है एक होती है तो यहां पर आपको की घात एक, एक मतलब दिखेगी तो नहीं पर वो छुपी हुई रहती है और उसके बाद यहां पे आपको कैसे समीकरण को सॉल्व करना है अपने चिन्हों को पक्षांतर कैसे करना है और उसके बाद यहां पे एक्स का मान कैसे निकालना है ये सारी चीजें फटाफट फटाफट सीखेंगे चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें उस पर उस आते हैं तो यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है टू एक्स प्लस फोर बराबर बारह ये दिया हुआ है अब देखिए सबसे पहले करते क्या है ये तो x के साथ दो है इसका तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा सबसे पहले मैं चार को उधर भेज दूंगा तो चार के साथ जो प्लस साइन है ये भी उधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस चार आया समझ में ये प्लस चार है उधर जाके माइनस का हो गया क्योंकि तो ये रूल होता है प्लस है बराबर के उधर जाके माइनस माइनस है बराबर के उधर जाके प्लस अगर भाग है तो उधर जाके गुणा और अगर गुड़ा है तो उधर जाके भाग ये रूल होते हैं कि जब चिन्हों का पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं तो यहां पर हमारे चिन्ह बदल गया प्लस है तो माइनस हो गया अब देखिए बारह में से चार को घटाऊंगा तो बचेगा आठ तो x बराबर अब देखिए यहां पर x काय में है गुड़ा में है बराबर के उधर जाके काय में हो गया भाग में हो जाएगा तो आठ बटा दो तो कितना हो जाएगा चार दो एक दो, दो, दो चोको आठ तो एक्स बराबर कितना हो गया चार या हमारा x का मान हो गया चार अब आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं पूछो कैसे बहुत आसान है हमको ये समीकरण दिया है दो एक्स प्लस एक बराबर बारह चूंकि जब हम जानते हैं हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है समीकरण का मतलब होता है बैलेंस करना तुलना करना तो क्या तुलना करने में यह पक्ष इस पक्ष के बराबर है अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि हम बिल्कुल साफ हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो चलिए यहां पर जो एक्स है यहां पर मान रखते हैं एक्स की जगह कितना था चार प्लस चार बराबर बारह चार दुनी आठ आठ प्लस चार बराबर बारह तो बारह बराबर बारह तो यहां पर हमारा जो आंसर आ गया वो बिल्कुल सही आ गया हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है अब आप गलत करके तो दिखा दो ऐसे ही करना है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है यहां पर दिया है टू बटा पांच माइनस तीन बराबर सात देखिए इसमें भी करने का क्या तरीका है अभी इस पक्ष को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा इसको इधर ले जाऊंगा, तो कितना हो, हो, मतलब तो हो गया तो टू एक्स, एक्स बटा पांच और ये हो गया सात और तीन दस ठीक है ना बस अब क्या कर सकते हैं देखिए x के पास में ये गुणा में है और एक्स के पास में ये भाग में है तो एक्स को यही रखता हूं दस यही रहेगा पांच जो है वो भाग में था तो वो गुणा में हो गया और ये गुणा में था तो ये भाग में हो गया ठीक है ना अब क्या करना है दो एकम दो, दो पंजे दस तो x बराबर कितना हो गया पांच गुणा पांच तो x का मान कितना आ गया x बराबर पच्चीस कितना आ गया पच्चीस अब आप वापस से चाहें तो अपने आंसर में उत्तर की जांच कर सकते हैं और उत्तर की जांच करके आप लोग यह पता कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं है एक्स जगह पच्चीस पांच से पच्चीस को कैंसिल करोगे तो पचम पच्चीस तो आंसर बिल्कुल ठीक है आप लोग हर क्वेश्चन में इस तरह से एक अंदाजा लगा सकते हो और अपने आंसर को ला सकते हो तो आए अपने अगले क्वेश्चन पे चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस एक्स बटा चार बराबर बीस ये दिया है अब देखिए यहां पर क्या करें अब हम पक्षांतर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहां पर दोनों हमारे पास क्या है चर संख्या है अब यहाँ दोनों चर संख्या है तो अब हम इसको पहले यही सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे हम लोग आपको बताएंगे क्या करना है यहां पे हम क्या करेंगे इसको एक ले लेंगे चार का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये फोर एक्स प्लस एक्स बटा चार बराबर बीस ठीक है अब चार चार एक्स और एक्स मतलब चार और एक पांच एक्स हो जाएगा बटा चार बराबर बीस अब वही बात है एक्स के पास पांच गुणा में है और एक्स के पास चार भाग में है उधर भेज दो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बीस गुणा चार बटा पांच तो पांच एकम पांच पांच चौको बीस चार चौको सोलह एक्स का मान कितना आ गया सोलह आ गया तो यहां पर हमारा एक्स का माना गया सोलह जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया आप चाहें तो यहां पर रखकर देख लीजिए और रख के देखने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा देखिए यहां रखिए सोलह प्लस सोलह बटा चार बराबर बीस तो कितना हो जाएगा चार चुको सोलह सोलह और चार बीस बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है तो यहां पर हम एक रफ काम में जाकर अपने आंसर की तरफ देख भी सकते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं सही कर रहा हूं तो बस कॉन्फिडेंस आ जा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां पर दिया है अब प्रश्न पहला इसको सॉल्व करने देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं यहां पर तीन एक्स माइनस तीन बराबर पंद्रह है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे तरीके क्या है आप लोग तीन को नीचे भी ले जा सकते हैं तीन का गुणा अंदर भी कर सकते हैं दोनों में से मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं करने के. आप तीन को नीचे ले जाइए तो तो तीन, तीन तो पंद्रह तो, तो x बराबर माइनस तीन बराबर पांच माइनस तीन को उधर ले जाइए तो पांच प्लस तीन तो एक्स बराबर हो जाएगा आठ एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का दूसरा तरीका है सॉल्व करने का इसी को ही कैसे करेंगे तीन एक्स माइनस तीन बराबर पंद्रह आप तीन का अंदर गुणा कर दो तो तीन एक्स तीन नो बराबर पंद्रह ये हो गया ठीक है ना अब आप एक काम करिए माइनस का नो है इसको उधर ले जाइए तो थ्री एक्स तो जाएगा पंद्रह प्लस नो तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा पंद्रह सोलह सत्रह 18, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस कितना आ जाएगा चौबीस तो एक्स बराबर आ जाएगा चौबीस बटा तीन तो तीन अट्ठे चौबीस तो x का मान आ गया आठ देखिए दोनों में x का मान बिल्कुल आठ आठ आ गया लेकिन हमारे पास करने का तरीका इसको अलग था ये भी तरीका था ये भी तरीका था जो तरीका आसान लगे आप वो बिल्कुल उठा लो कि सर मेरे को तो ये तरीका करना है या ये तरीका करना है आपको जो लगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए यहां दिया है एक्स बटा दो माइनस सात बराबर पंद्रह मतलब एक्स बटा दो माइनस सात बराबर पंद्रह अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सात को उधर भेज दो तो सात जब उधर जाएगा तो सात का, का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो एक्स बटा दो बराबर पंद्रह प्लस सात तो पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो एक्स बराबर कितना हो गया एक्स बराबर हो गया बाविस ठीक है ना है ना अब आप ये दो जो भाग में था इसको भेज दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा बाईस गुना दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 44 तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व ठीक है ना देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं पर मैं जो इजी तरीका आपको बता रहा हूं वो तरीका आप लोग अपना आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे तो यहां पर हमारा एक्स का मान आ गया फोर्टी आप चाहें तो एक्स के मान को वापस से रख दीजिए यहां पर फोर्टी आएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी में जो सेवन जाएंगे तो आपका पंद्रह ही आएगा आया समझ में चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें दिया है अगला क्वेश्चन माइनस टू एक्स बटा सात प्लस दो बराबर आठ ये दिया हुआ है इसको सॉल्व कैसे करें सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस ये टू प्लस का इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस टू एक्स बटा सात और ये हो जाएगा आठ माइनस दो ठीक है ना मैंने क्या करा ये प्लस के दो को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया ठीक है ना आप क्या करेंगे माइनस टू माइनस टू एक्स बटा सात और आठ में से दो गया तो कितना बचा छे आठ में से दो गया तो छह बचा अब हम क्या करेंगे देखिए यहां पे एक्स के पास गुड़ा में है और ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा जब बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा मतलब माइनस का एक्स बराबर छ और यहां हो जाएगा सात और नीचे हो जाएगा दो ठीक है ना ये दो नीचे चला जाएगा सात ऊपर चला जाएगा तो दो एकम दो, दो एकम दो दो तिया छे तो सातिया इक्कीस इक्कीस तो तो यहां मेरा आंसर खत्म ठीक है ना दो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप लोग यहां पर देख लीजिए कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं क्या हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए तो आप लोग भी ऐसे ही देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो कि हमने करके दिखाई आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन को कैसे करना है और जो मैं बता भी रहा हूं कि क्वेश्चन में आंसर अगर मुझे निकालना है तो आप लोग वो सही है कि नहीं है तो आप लोग एक रफ में अंदाजा भी लगा सकते हैं जैसे माइनस का ट्वेंटी वन था माइनस का ट्वेंटी वन आंसर आया एक्स का यहां पर आप माइनस का ट्वेंटी वन रख दीजिए सात तो था ही प्लस का दो सात एगम सात सात या इक्कीस माइनस माइनस प्लस तो तीन दुनी छो तो छ दो आठ तो आठ बराबर आठ आ गया तो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न चार सेवन माइनस थ्री एक्स बराबर अट्ठारह यह दिया हुआ है अब भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं क्या तरीके हैं देखिए सबसे पहली बात ये दिया है सेवन माइनस थ्री एक्स बराबर अट्ठारह आप चाहो तो सेवन को उधर ले जाओ

जो हमारी जो चर संख्या होती है उनके साथ कभी भी चिन्ह नहीं होता है वो अपना चिन्ह इधर भेज देते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का तीन। अब अगर ये देखो, ये देखो क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है तो मैं एक बार चेक कर लू कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर रखते हैं सेवन माइनस और यहां रखते हैं ग्यारह बटा तीन माइनस का देखते हैं ये अट्ठारह के बराबर आता है कि नहीं आता भाई चेक कर ले चेक करने में कोई बुराई थोड़ी ना है तो क्या क्या हो जाएगा सेवन प्लस तैतीस बटा तीन बराबर अट्ठारह तीन, तीन एकम तीन तो ये हो जाएगा अठारह बराबर अट्ठारह तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही आ गया आंसर भी बिल्कुल ठीक है बस फिर कॉन्फिडेंट हो जाओ और कहो मैं बिल्कुल सही हूं तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सही हम आ गए चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा अट्ठारह बराबर चालीस माइनस तीन एक्स ठीक है ना अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए चालीस को इधर ले आइए है ना चालीस को इधर ले आइए या आप वैसे वही सही आ, आंसर है या अट्ठारह को उधर ले आइए तो तीन एक्स उधर चला जाएगा तो तीन प्लस का हो जाएगा ऐसा भी कर सकते हैं मतलब ये ऐसा हो जाएगा अट्ठारह ये हो जाएगा चालीस माइनस अट्ठारह बराबर तीन एक्स ऐसा हो जाएगा मतलब 18 को इधर ले गया और 3x को इधर ले आया तो यह हो गया अब हम क्या करेंगे यहां पर हम लोग 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो 40 में से 18 को जब माइनस करते हैं तो 10 में से आठ गया तो दो बचा यहां हो गया कितना तीन तीन में से एक गया तो दो बचा कितना हो गया ट्वेंटी पक्का ट्वेंटी आ गया तो भाई ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू बराबर तीन बराबर एक्स x का मान कितना आ गया 22/3 आ गया 22/3 अगर आ गया तो अब मैं वापस से रख के देखता हूं कि समीकरण को हल हल ज्ञात कीजिए तो अब ये जो इस तरह के जो आंसर हो रहे हैं उसमें मैं को ये तो पता पड़े कि मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं उसके लिए एक बार उत्तर की जांच कर लो तो यहां पे 18 है 40 है और 3 22/3 है तो ये हो गया चलो चालीस माइनस बाईस तो 40 में से 22 को घटा दो तो 10 में से दो हो गया आठ बचा या हो गया तीन तीन में से दो गया एक बचा बिल्कुल सही है अपन कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है है ना बिल्कुल सही है हमारा आंसर बाईस बटा तीन जो है वो बिल्कुल सही आया है तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है खत्म देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमें दिया है पच्चीस बटा छे माइनस नाइन वाई बराबर लेवन क्या दिया है पच्चीस बटा छ माइनस नाइन वाई बराबर इलेवन है ना अब देखिए इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा आपको क्या इसके अंदर क्या लगा सकते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए सबसे पहले मैं तो सबसे अच्छा बताता हूं नाइन वाई को उधर ले आइए और ये इलेवन इधर आ जाएगा और नाइन प्लस का हो जाएगा ठीक है ना ये ऐसा हो जाएगा क्यों क्योंकि ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया ग्यारह और ग्यारह जो प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया अब ले लेते हैं यहां एलसीएम एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे पच्चीस छ का ग्यारह में गुणा करेंगे तो छाछ और यहां होगा छाइन बाय ठीक है ना अब सिक्सटी सिक्स में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो सिक्सटी सिक्स और ट्वेंटी फाइव छ में से पांच गया एक बचा और छह में से दो गया तो चार बचा फोर्टी वन अपॉन सिक्स बराबर नाइन बाय चलिए आप क्या करेंगे अब क्या करेंगे भैया अब लग रहा है कहीं से कहीं तक हो जाए बिल्कुल हो जाएगा फोर्टी वन जो है ना वो आपका कैंसिल हो जाता है थ्री से देखिए कैसे कम तीन एकम तीन तीन एकम तीन नहीं होगा चलिए एक काम करते हैं फोर्टी uh, वन जो है वो करके कर देख लिया नहीं हो रहा अब एक काम करते हैं अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 9 छका चौवन तो नाइन uh, को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो तो भी कैंसिल नहीं होता है एक बार हम लोग चेक कर लेते क्या हमने ठीक किया है क्योंकि हो सकता है कि भाई गलती हो गई हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में या एक काम करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मैं इसमें एक ट्रिक और लगा लेता हूं आ, मतलब इसको मैं आपको एक काम करता हूं मैं इसको ऐसा नहीं करके अब इसको ऐसा करके दिखा देता हूं ताकि आ, -9y ये हो जाएगा 11 25 6 तो हो जाएगा 9 ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स ठीक है ना अब सिक्सटी सिक्स में जो ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो नाइन बाय हो गया तो ट्वेंटी फाइव और सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स और ट्वेंटी फाइव में से पांच गया एक बचा और फोर्टी वन अपॉन सिक्स तो फोर्टी वन अपॉन सिक्स बचा चलिए अब क्या कर सकते हैं अब एक ही काम है यहाँ पर वाई बराबर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फोर्टी वन अपॉन सिक्स इनटू टू यहां पे हो जाएगा नाइन तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर वाई बराबर इकतालीस माइनस का इकतालीस बना की नौवन ये आ रहा है ठीक है अब भाई अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है गलत हो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अब मेरे मन में दुविधाएं चल रही हैं अब इस दुविधा को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए मुझे मेरे को ये मान रखना पड़ेगा काय में इसमें इसमें वाय के मान अगर वो 11 के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा कि मैं बिल्कुल सही हूं तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं तो यहां पर पच्चीस है यहां पर छह है नाइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इकतालीस बटा चौवन ये हो जाएगा ठीक है ना आप क्या करेंगे नो छका चौवन नो छका चौवन तो यह आ जाएगा पच्चीस बटा प्लस छतालीस बटा आ गया ठीक है ना अब पच्चीस और इकतालीस को मैं प्लस कर लेता हूं तो पच्चीस और इकतालीस तो ये हो जाएगा छ चार और दो छीक है ना मतलब कितना आ जाएगा ये सिक्सटी सिक्स बटा सिक्स बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है मेरा उत्तर तो ये हो जाएगा 25 प्लस इकतालीस बटा छे तो 66 सिक्स बटा छे तो ये आ गया 11। अब मैं कह सकता हूं अब आ जाओ कोई मेरे से फाइट करने अब मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल सही आंसर लेकर आया हूं 41 upon 54, क्यों क्योंकि जब मैंने वापस से इसमें रखा तो मेरा ग्यारह आ रहा है तो बस फिर आप बिल्कुल शस्त्र उठा लो आप आ जाओ कोई सामने अगर कोई बोल दे के मेरा उत्तर गलत है, तो मैं मान के दिखाऊं तो मतलब एक तरह से जब उत्तर हमारा सही आ जाता है ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है क्यों क्योंकि हमने उत्तर की भी जांच कर ली और उत्तर की जांच करने के बाद हमने देख भी लिया कि भाई मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया तो डर किस बात का तो बस हो गया तो यहां पर हमारा आंसर सही आ रहा है तो चलिए बच्चों फटाफट जल्दी से तालियां बजा दो और बता दो कि हां हमारा आंसर सही आया ये आवाज आना चाहिए जोर से चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है अब पॉइंट का मामला आ गया है थोड़ा सीरियस हो जाओ क्या दिया हुआ है टू बराबर एक्स टू पॉइंट ठीक है अब यह दिया हुआ है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा ये माइनस एक को इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा टू पॉइंट फोर प्लस वन ठीक है ना ये हो गया तो टू पॉइंट फोर प्लस वन कितना हो जाएगा देखिए टू पॉइंट फोर है प्लस वन ओ सॉरी प्लस वन यहां होता है प्लस ठीक है तो यह हो जाएगा फोर थ्री पॉइंट फोर ठीक है ना कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर तो यह हो गया मेरा थ्री पॉइंट फोर अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर इंटू टू पॉइंट फाइव हो गया ठीक है अब 3.4 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 पॉइंट फोर टू टू पॉइंट फाइव ठीक है अभी पॉइंट को भूल जाओ अभी पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ अभी तो केवल आप मल्टीप्लाई करो बस देखिए पांच चुको बीस बीस की जीरो हासिल का दो ठीक है पांच ठिया पंद्रह सोलह सत्रह अब क्या करेंगे दो चुको आठ दो तिया छह जीरो आठ और सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह की पांच हासिल का एक छत और एक, एक आठ कितना आ गया आठ सौ पचास कितने के बाद जीरो था एक और दो के बाद तो एट पॉइंट फाइव आंसर कितना हो गया एट पॉइंट फाइव अब आप कहते हो सर आप तो आंसर लेकर आ गए अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि वो आंसर सही है कि नहीं है अब भाई आप रख के देख लो अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है चलिए आप लोगों के मन के लिए मैं एक बार रख के देख लेता हूं क्या मेरा आंसर सही है तो चलो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अभी चिल्लाने लग जाओगे कि हां भाई उजने लग जाओगे हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है तो चलिए यहां पर है एट यहां पर है टू पॉइंट फाइव माइनस वन पच्चीस 2.4 के बराबर आंसर लेकर आना है किसके बराबर 2.4 के बराबर आंसर लेकर आना है अगर 2.4 के बराबर आंसर आ गया तो मैं मानूंगा हाँ भाई तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है चलिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं तो 8.50 पॉइंट माइनस टू और यहां पे हो जाएगा 2.5 तो 8.50 और यहां हो जाएगा फाइव और यहाँ आ जाएगा टू तो आ जाएगा जीरो और 5 दस की जीरो हासिल का एक माइनस करना है सॉरी तो ये कितना हो जाएगा एट पॉइंट फाइव जीरो और यहां हो जाएगा फाइव जीरो और यहां हो जाएगा टू तो जाएगा जीरो जीरो सिक्स कितना आ जाएगा सिक्स यहां हो जाएगा सिक्स और यहां हो जाएगा टू पॉइंट फाइव है ना अब आप इसको कैंसिल करो देखते हैं क्या मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ यहाँ पे जीरो बढ़ा लो तो साठ बटा पच्चीस है ना आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा पाँचकम पाँच पाँच धूनी दस पचम पच्चीस या आ गया अब उसको हम लोग पॉइंट्स के भाग दे देते हैं तो पाँच और बारह तो पाँच धूनी दस पांच चुको बीस बिल्कुल ठीक है हमने सॉल्व किया एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया देखिए मैंने किया क्या मैंने किया क्या यहां से मेरा 8.50 तो मेरा आंसर आ ही रहा था तो मैंने क्या करा सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया तो 8.50 पॉइंट माइनस टू का मैंने एलसीएम ले लिया ठीक है एलसीएम लेने 2.5 का अब मैं इनको माइनस करूंगा तो 8.5 8.50 में से मैं टू पॉइंट फाइव को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो ये जीरो जीरो पॉइंट सिक्स मतलब छ बटा टू पॉइंट फाइव आया कितना आया 6 टू पॉइंट फाइव आया अब मैंने यहां से पॉइंट हटाया से जीरो बढ़ा लिया तो कितना आया बटा पच्चीस आ गया अब साठ बटा पच्चीस को मैंने क्या करा सात बटा पच्चीस को मैंने कैंसिल किया पांच एकम पांच पांच दूनी दस और पचम पच्चीस तो आ गया बारह बटा पांच अब मैंने बारह से भाग मतलब पांच से भाग दिया बारह को तो बारह एकम बारह वो पांच एकम पांच पांच दस पॉइंट लगाया पांच टू पॉइंट फोर आ गया मतलब मेरा आंसर एट पॉइंट फाइव जीरो बिल्कुल ठीक है मतलब सब तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तब आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन खत्म होता है चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या है पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहां पर थ्री एक्स प्लस टेन बराबर वन देखिए यहां पर क्या है जो टेन है इसको जब उधर भेज दूंगा तो थ्री एक्स बराबर टेन क्यों क्योंकि यहां पे प्लस का है बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा बराबर माइनस का नाइन दस में से एक जाएंगे तो माइनस का नो बचेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का नो बटा तीन तो तीन नो तो एक्स का मान कितना आ गया माइनस का तीन ये मेरा आंसर हो गया ठीक है ना माइनस का तीन कैसे आया जाना ना आप लोगों ने यहां पे माइनस का तीन आ गया ठीक है देखिए क्या क्या दस था इधर एक था दस को उधर भेजा माइनस का हो गया दस में से एक गया माइनस का नो क्यों आया क्योंकि यहां पे दस बड़ी संख्या थी माइनस का नो आ गया यहां पे तीन नीचे गया तीन से जब नो को कैंसिल किया तीन थी नो तो माइनस का तीन आ गया आप चाहो तो यहां पर रख लो आंसर में तो तीन तो कितना हो जाएगा तीन गुणा माइनस का तीन प्लस का दस तो कितना हो जाएगा नो प्लस दस माइनस का नो प्लस का दस तो कितना आ जाएगा एक तो एक बराबर एक हो गया ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा कैसे इसको सॉल्व करूंगा आप लोग इसको देख लीजिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर आप एक बार इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग एक बार देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए कुछ याद आया यहां पर क्या करेंगे इस दो को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखते हैं यहां पर जाएगा टू एक्स प्लस ग्यारह बटा चार बराबर तेरह तो यहां पर x प्लस ग्यारह बटा चार और ये हो जाएगा तेरह बटा दो ठीक है ना क्योंकि मैंने दो को नीचे भेज दिया अब क्या करेंगे यहां पर x बराबर तेरा बटा दो तो है और यहां पे ग्यारह बटा चार आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि यहां पे प्लस ग्यारह बटा चार है उधर जाके माइनस का ग्यारह बटा चार हो गया अब देखिए यहां पर दो और चार था तो जो बड़ा था वो एलसीएम में आ गया चार चार का जब दो में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दो और दो का जब तेरह में गुणा करेंगे तो तेरह कम तेरह तेरह दूनी छब्बीस ठीक है ना और जब चार का चार में भाग देंगे एक एक का ग्यारह में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ठीक है अब में से कितना पंद्रह बटा चार ठीक है ना अब पंद्रह बटा चार आ गया अब आप बोल सकते सर अब आप इसमें दिखाइए क्या आंसर तेरह के बराबर आ रहा है तो रख देते हैं उसमें कितनी क्या बड़ी बात है वैसे आप लोगों को ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है आपके सामने तो ये क्वेश्चन एक दो बार आएंगे एक दो आएंगे तो आप इसको रफ में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक है तो चलिए दो और यहां देखेंगे पंद्रह बटा चार प्लस ग्यारह बटा चार और आंसर आना चाहिए तेरह तो दो चार ये हो गया और पंद्रह प्लस ग्यारह ठीक है तो पंद्रह और ग्यारह कितना होता है छब्बीस बटा ठीक है तो दो एकम दो दिन चार दो एकम दो तीन दो अच्छे तो तेरा बटा तेरा आ गया तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है है कि हाँ भाई हमने ये क्वेश्चन जो किया है, वो चौदह बटा तीन बराबर तीन बटा सात ये कुछ क्वेश्चन मुझे दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं तो ये दिया है एक्स बटा तीन माइनस चौदह बटा तीन बराबर तीन बटा सात ठीक है ना अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग दो तरीके से आपके पास दो तीन तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे आप लोगों को यहां पर एक चीज बहुत अच्छी दिख रही होगी कि इस क्वेश्चन में यहां पर दोनों के हर क्या है समान है तो इसको सॉल्व करना आसान होगा बट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहां पर एक्स की प्रॉब्लम आएगी तो मैं काम करता हूं थोड़ा अपना लालच के इसको मैं उधर भेज देता हूं तो एक्स बटा तीन बराबर तीन बटा सात प्लस चौदह बटा तीन ये मैंने कर दिया ठीक है ना अब आपको सामने अब आपको क्या करना है इनका एलसीएम लेना है तो यह एक्स बटा तीन सात इक्कीस तीन तिया नौ और चौदह सत्ते कर लीजिए तो सात को अट्ठाइस अट्ठाइस की आठ हासिल का दो सात सात और दोनों चौदह ये हो गया ठीक है ना अब यहां पर आप लोग एक काम करिए देखिए मैंने किया क्या क्वेश्चन को समझना ये हो जाएगा नाइन प्लस तीन तिया नो चौदाह सत्य अंठियानवे बटा इक्कीस देखिए किया क्या यहां पर जो था सातिया इक्कीस तीन का तीन में गुणा करा चौदह का सात में गुणा करा अब देखिए

इसको भी आप उधर ले जाइए तो एक सौ सात बटा तीन इक्कीस गुना तीन तो तीन 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 सत्य हो गया अब आप कहेंगे सर ये आंसर ठीक है है कि नहीं तो चलिए इसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि करना कैसे है तो यहां पर एक्स बटा एक सौ सात बटा सात आया है तो आप इसको बिल्कुल अपने साथ रखिए मैं एक बार इसको करके दिखाता हूं कि भाई ये बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो चलिए हम एक्स x है ना x के क्या रखना है 107 सौ सात तीन तो था सात में ये रख दो माइनस चौदह बटा तीन ये रहा ठीक है ना अब चलिए ये हो जाएगा 107 सौ सात इक्कीस और ये चौदह बटा तीन इक्कीस ही आएगा 21 का 21 में भाग देंगे तो एक और एक का गुणा एक 107 में करेंगे तो ये आ जाएगा उसके बाद या या 21 के पहाड़े में मतलब तीन के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है सात बार में और सात चौक चौदह मतलब गुणा कर देंगे चौदह का सात में तो अंठानवे ठीक है अब देखिए अंठानवे और 107 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नौ तो नौ बटा इक्कीस है ना नौ बटा इक्कीस अब नौ बटा इक्कीस आएगा तो यहाँ पे तीन तिया नौ और तीन साथ इक्कीस आ गया तीन बटा सात तो मतलब यह मैंने आंसर निकाला और यहां मैंने उत्तर की जांच भी करी तो मेरा दोनों आंसर हो गया बिल्कुल परफेक्ट आ गया तो यहां पर मैथ्स को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपको जो तरीका लगता है आप उसको अपनाइए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ऐसे ही करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे यहां पर दो दशमलव एक जो प्रश्नावली है वो हमारी खत्म होती है बहुत जल्दी हम आपकी इसकी अगली प्रश्नावली दो दशमलव दो भी लेकर आएंगे तो बने रहिए हमारे साथ बने कहा रहना है आप लोगों को आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ जो देता है, 7 से 12 वो भी बिल्कुल है. आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है बस आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त करेंगे साथ में क्वालिटी एजुकेशन के साथ यही हमारा मैग्नेट ब्रेन का रूल है तो यहां पर आप लोगों को अपने छोटे बड़े भाई बहन है आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू